अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे हिजरत मदीना के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो दुश्मन मक्के में ऐलान कर डाले, मक्के में ऐलान करे, नबी निकल गए कहते, निकलने से पहले हजरत अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आया अली, ये तमाम अमानतें कुफारे मुशरिकीन मक्का के हैं, मेरे दुश्मनों के हैं, मेरे ऊपर भरोसा करके लाके रखे हैं वो, इन अमानतों को जाया नहीं करना, भले ही वो मेरे खून के प्यासे हैं, उनकी अमानतें जाया नहीं करना, जिस कदर मुझ पर भरोसा करके मैं अमीन हूं, मैं सादिक हूं, उनके दिलों को मालूम, इसके उतना बड़ा अमानतदार पूरे मक्के में नहीं, इसके उतना बड़ा सच्चा, इसके उतना बड़ा वादे का पक्का, इसके उतना बड़ा नेक पूरे मक्के में नहीं। अरे अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं ले जा रखते थे जी अमानत, लो नबी के जान के पीछे पड़े थे लेकिन नबी पर भरोसा करके लाख अमानत रखते थे। नबी क्या बोले, अय अली मेरे जाने के बाद ये अमानत फलांकू, ये अमानत फलांकू, ये अमानत फलांकू, बराबर दे डाल, अमानत में खयानत नहीं करना, ठीक है अल्लाह के। नबी अलैहिस्सलाम निकले बाहर, अबू जहल का प्लान, हर कबीले से एक आदमी, अच्छा तीर तलवार नेजे भाले चलाने वाला, 12 कबीले के 12 तीरंदाज या भाले नेज भाला लेकर नेजे लेकर नबी के घर के बाहर खड़ेंगे, तहज्जुद के लिए निकलेंगे, सारे मिलकर नबी पर मर्डर अटैक करेंगे, इस तरह नबी का खून सारे कबीलों में बढ़ जाएगा, बनु हाशिम किन किन से खून का बदला लेंगे, वो नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्रिमिनल माइंड का, ये बड़ा शातिर जहन का कौन, अमर बिन हिशाम जिसे अबू जहल कहा जाता है, इसके प्लान को सक्सेस करने सारे कबीलों के मक्कारों को भाला नेजा देकर नबी के घरों को, नबी के घर के अतराफ उसी रात खड़ा किया गया जिस रात अल्लाह का हुक्म था मेरे नबी आज की रात आप निकलिए, उसी रात दुश्मन खड़े हो गए नबी पर अटैक करने। लेकिन जिसे मेरा अल्लाह बचाना चाहे पूरे जमीन और आसमान वाले मिलकर उसे नहीं मिटा सकते, जिसे मेरा अल्लाह बचाना चाहे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे मिटा नहीं सकते, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे हलाक कोई नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह हलाक करना चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसे बचा नहीं सकते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला जब आया, दुश्मन आ गए, मक्के में ऐलान हुआ जो नबी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा 100 सुर्ख ऊंट उसे इनाम में दिया जाए। फिर नबी को तलाशते तलाशते वो भी गारे सौर के करीब आ गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु डर गए, बोले अल्लाह के नबी दुश्मन हमारे ऊपर है, अगर वो अपने जूतियों की जानिब नीचे देखेंगे हम नजर आ जाएंगे, अब हम पकड़े गए। नबी क्या बोलते हैं, अरे मेरे भाई तुम क्या कहते हो उन दो भाइयों के बारे में, तुम क्या गुमान रखते हो उन दो लोगों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह तबारक व तआला की जात है हिफाजत करने वाली, ला तहजन इन्नल्लाह माना, तू मत घबरा अल्लाह की जात हमारे साथ है मदद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ है, ला तहजन इन्नल्लाह माना। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के जबान पर जो जुमले जारी थे गारे सौर में वो क्या थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह की जात पर है, वही मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वही मेरा कारसाज है, वही मेरा दोस्त है, मैं उसी पर भरोसा करता हूं। अल्लाह के नबी की जबान पर यह जुमला, वहां दुश्मन नजदीक आने के बावजूद गाफिल होकर अल्लाह ताला वहां से उनको निकाल दिया, वहां से चले गए, वो देख नहीं पाए। अरे जिसे अल्लाह बचाना चाहता, जिसका भरोसा अल्लाह की जात पर रहता, अल्लाह उसे गैर से बचाता जी, लेकिन हम भरोसा अल्लाह की जात पर करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में, एक बनी इसराइल के 3 बच्चों ने, मासूम गोद के बच्चों ने मां के गोद में बात किया अल्लाह की कुदरत से, हालांकि पहले के जमाने के 5 बच्चों ने बात किया मां के गोद में। इस हदीस में 3 बच्चों का जिक्र है, इस हदीस के हद तक मैं 3 बच्चों का वाकया आपके सामने रख रहा हूं, एक ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे अस्हाबुल उखदूद का बच्चा जो कुएं में, आग के कुएं में मां गिरने से पहले, मां लेकर कूदने से पहले बादशाह वो छोटे बच्चे को जो तो जादू सिखाने भेजता था, वो बच्चा तौरात का इल्म सीख कर आया, उसके बाद उस बच्चे को मारने कई जगह बादशाह भेजता है, वो बच्चा दुआएं पढ़ पढ़ के लोगों को दम करने वाला, सारे बीमार अच्छे हो जाते थे,
बच्चे को बादशाह पूछता, मेरे सिखाए हुए जादू से तू लोगों को अच्छा कर रहा? बोलते नहीं, मैंने एक आलिम से तौरात का इल्म हासिल किया, तेरे जादू को मैंने जब एक बड़े सांप पर पढ़कर मारा, सांप पर कुछ असर ना हुआ, जब मैं तौरात की आयतें पढ़कर मारा तो सांप भाग गया। मुझे उस दिन से पता चल गया ये अल्लाह का कलाम है, इसी में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शिफा है, मैं वही पढ़कर लोगों को दम करता हूं और मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, तुझे खुदा नहीं मानता। ए मारो जी से, समंदर में फेंको जी से। 10 सिपाहियों को भेजा समंदर में डालने, 20 समंदर में ले गए उसे फेंकने। वो बच्चा दुआ करता है, अल्लाह मक्फिनीहिम बिमा शीता, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं इन लोगों की हरकतों से तू मेरे लिए काफी हो जा, ये जो भी शरारत कर रही अल्लाह तू काफी हो जा। मेरे गोदावरी खनी के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जान लो, ये बुखारी की रिवायत है। अगर आप कभी दुश्मनों के नरगे में घिरे हो, आपको मारने के लिए सारे दुश्मन घेर लिए हैं, ये दुआ पढ़ो आप अल्लाह की जात पे भरोसा रख के, अल्लाह मक्फिनीहिम बिमा शीता, या अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा इन लोगों की शरारत से। ये जितने भी लोग मेरे खिलाफ शरारत करने आई, मेरे घर पर मारने आई, मुझे बीच बाजार में खड़ा करके सारे घेर लिए हैं, अल्लाह इनकी शरारतों के मुकाबले में तू मेरे लिए काफी हो जा। अगर ये दुआ करेंगे हर मुश्किलों में अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। जब ये बच्चा दुआ किया, ऐसा तूफान अल्लाह समंदर में लाया, सारे सिपाही तूफान से समंदर में डूब गए, वो तने तनहा बच्चा समंदर के किनारे आया, बादशाह के सामने जाकर खड़ा। हक्का बक्का बादशाह, कई सारे बच्चा तू, मेरे सिपाही कहाँ है? अल्लाह ताला तेरे सिपाहियों को समंदर में डुबा दिया, जो मेरा अल्लाह है, सारी दुनिया का अल्लाह है, तेरा अल्लाह है। ए नहीं नहीं क्या की जादू करे, आओ ये, और बड़े सिपाहियों बुलाया, बोला पहाड़ की चोटी से इसे नीचे फेंक दो, इसका तिक्का भी नहीं मिलना, इसकी बोटी भी नहीं मिलना। सिपाही लग गए पहाड़ के ऊपर से फेंकने। वो बच्चा अल्लाह वाला था, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाहुम्म इक्फिनीहिम बिमा शीता, या अल्लाह तू काफी हो जा इन लोगों की शरारत से। अल्लाह ताला फिर तूफान लाया, 10 के 10 बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गए, उनके तिक्का बोटी नहीं मिले, वो बच्चा सही सलामत नीचे उतर को आया। बादशाह हैरान परेशान, तू कैसा मरता बा, मर रहा नहीं ना रे, तू कैसा कैसा करे तो भी मर रहा नहीं ना रे, तू किसे तो भी सुपारी देना, किसे तो भी पान देना रे तेरा। वो बच्चा बोले, बादशाह तू क्या लाख कोशिश कर ले, मैं मरता नहीं, एक प्लान बोल तू, अगर तू मुझे खजूर के तने से बांध कर तीर ले, बिस्मिल्लाहि रब्बी हाजा गुलाम ये पढ़कर मारेगा, वो तीर मेरे कनपटिया सीने में लगेगा तो मैं मरूंगा, वरना नहीं मरूंगा। बादशाह ऐसा ही किया, बच्चा शहीद हो गया। सारे बस्ती वाले, आमंत रब्बी हाजा गुलाम, इस बच्चे के रब पर हम ईमान लाते हैं, सारा बस्ती पलट गई, पीछे गड़ा खोद कर आग लगा दिया, जो भी बच्चे के रब पर ईमान लाएगा आग में डाल देना, जो बादशाह को रब मानेगा छोड़ देना, हर एक को डाल रही। एक माँ का बच्चा माँ के गोद में है, कैसा कूदना, छोटे दूध पीते बच्चे गुले को कैसा कूदना, माँ परेशान, वो दूध पीते बच्चे को अल्लाह ताला बोलने की कुव्वत अता करता है। वो बच्चा कहता है, या उम्मा, अरे मेरी माँ, फइन अज़ाब अद्दुनिया अहवनु मिन अज़ाब अल-आखिरा, मेरी माँ कूद जा, ये दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के मुकाबले में, मेरी माँ कूद जा, ये जन्नत का बगीचा है, देखने में आग है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाई, अल्लाहु अकबर बोलकर आग में कूद गई। वो बच्चा था असहाबुल उख्दूद का, जो बात किया ईसा अलैहिस्सलाम, असहाबुल उख्दूद का बच्चा। तीसरा, अल्लाह के नबी कहते, एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए दूध पिलाए हुए जा रही थी, रास्ते में उसने देखा एक घोड़सवार जो इस्लाम के लिए लड़ने वाला, जिहाद करने वाला मुजाहिद, तलवार तीर लेकर, तलवार कमान लेकर, ढाल लेकर, तीर कमान लेकर जा रहा है। ये माँ उस औरत को देखकर दुआ करती, उस मर्द को देखकर, या अल्लाह मेरा बच्चा छोटा है, कल जब बड़ा होऊंगा इस्लाम के लिए लड़ने वाला ऐसा मुजाहिद मेरे बच्चे को बना। वो माँ दुआ करती, वो बच्चा क्या बोलता, दूध पीना छोड़ को बोलता, दूध पीना छोड़ देता और बोलता, या अल्लाह तू मुझे जैसा भी बना, इस घोड़सवार मुजाहिद जैसा मुझे हरगिज मत बना। इतना बोल को फिर वो बच्चा दूध पीना शुरू करता। अरे बुखारी मुस्लिम की हदीस ही है। ये माँ ताज्जुब, मेरा बच्चा ऐसा की को बोल रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो औरत देखती है बस्ती में सारे बस्ती वाले मिलकर एक औरत की पिटाई कर रहे, मार रहे उसे, क्या बोल के, जानिया, फाहिशा, बदकारा, ऐसी वैसी बोल को मार रही उसे। ये
औरत अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ऐसी जानिया औरत के कैरेक्टर के सर के मेरे बच्चे का कैरेक्टर मत बना। वो बच्चा फिर अपने माँ का दूध पीना छोड़ता और बोलता अल्लाह से, या अल्लाह मुझे बड़ा बनाने के बाद अगर तू मुझे कुछ बनाना चाहता है तो इस औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना। अब वो माँ ताज्जुब सवाल करती, ऐ मेरे प्यारे बच्चे तू आखिर ऐसा क्यों कहता है। अब वो माँ के सवाल पर बच्चा बोलता, ऐ मेरी माँ जब हम पहली मर्तबा इस घोड़सवार के सामने से जा रहे थे, वाकई में उन्हें इस्लाम के लिए लड़ने वाला मुजाहिद उन्हें, लेकिन रियाकार मुजाहिद उन्हें, लोगों को दिखाने के वास्ते अपनी शोहरत जताने के वास्ते लड़ने वाला, कल खयामत का मैदान जब होगा अल्लाह ताला इंसानों के जब फैसले करेगा तो इस रियाकार को उठाकर जहन्नम में पटक देगा। जब अल्लाह ने मुझे उसके आखिरत का आखिबत बता दिया अंजाम, मैंने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह मैं बड़ा होऊंगा तो जैसा भी बना इस रियाकार जहन्नमी जैसा मुझे मत बना, मैंने दुआ किया। अब हम जा रहे हैं बस्ती के किनारे, लोग एक औरत को जानिया फाहिशा बदकारा गलीज ऐसी वैसी बोलकर मार रही। मेरी मां दुनिया वाले उसे जानिया बोलकर मार रही, वो औरत मार खाते खाते अपनी जबान से क्या जुमले निकाल रही थी क्या तूने नहीं सुना। ऐ मेरी मां वो औरत मार खाए जा रही थी, ये बोलते जा रही थी हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमन नसीर, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पर, वही मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरा कारसाज है, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह की जात पर है। ऐ मेरी मां दुनिया वाले उसे जानिया बोल को मार रही, मेरा अल्लाह बताया हकीकत में वो नेक औरत है, मुत्तकी औरत है, परहेजगार औरत है। खयामत का जब दिन होगा अल्लाह ताला लोगों के फैसले करेगा, इस नेक पारसा औरत को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। जब अल्लाह ने मुझे बताया तो मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मैं जब बड़ा होऊंगा मुझे तो कुछ बनाना चाहता है तो इस जन्नती औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना। मैंने अल्लाह से दुआ किया। मेरे भाइयों अल्लाह की जात पर भरोसा रखना, क्या तो भी मुसीबत आंदे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना, अल्लाह से मदद तलब करना, हर मुश्किलों से अल्लाह पार कर डालता, हर मुसीबत से अल्लाह निकाल को बाहर कर डालता। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहि सलातु वसलाम बनी इसराइल को लेकर जब मिस्र से निकले, फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल चुके हैं, हिजरत कर चुके हैं, सारा फिरौन अपने सारे लश्कर को हथियारों के साथ लिया, हजारों की तादाद में जिस तरफ बनी इसराइल निकले थे उस तरफ निकल पड़ा। गौर से सुनिए इस वाकये को, बनी इसराइल आगे पीछे फिरौन उसका लश्कर। बनी इसराइल को मूसा अलैहि सलाम लेकर दरिया के किनारे पहुंच गए, सामने समंदर पीछे दुश्मन। जब बनी इसराइल मुड़कर देखे फिरौन लश्कर लेकर आ रहा। अब बनी इसराइल पहले घाबरे खजूरा, एक नंबर के घाबरे खजूरा। अब उन्होंने क्या करे, अपने नबी मूसा अलैहि सलाम से कहने लगे, अरे मूसा कैसी जगह लाको फंसाए ना जी हमना तुम्हें, सामने गए तो डुबको मरना, पीछे गए तो कटको मरना, दुश्मन तलवार लेकर आ रहा, कैसी जगह लाको सपड़ाए ना जी हमना, अब क्या सामने डुबको मरना क्या पीछे जा कटको मरना, कैसे जगह लाको फंसाए ना, क्या करना हमें, कहां है रास्ता हमना जाने। मूसा अलैहि सलाम बोल रहे हैं, मेरे कौम वालो सबर करो, अल्लाह हमारे लिए कोई सबील पैदा करेगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं तुम ना, अल्लाह के हुक्म से लाया हूं, जब अल्लाह हमने यहां तक बुला ले आया, अल्लाह छमना कोसा के एक रास्ता दिखा को बाहर निकालता, अल्लाह की जात को भरोसा रखो, सबर करो, कई का जी सबर करना, कहा जी हमने लाखों सपड़ा है, तुम्हारे ऊपर कलमा पढ़को तुम्हारे साथ आने का नतीजा क्या दिया ना जी तुम्हें, लाखों अच्छी मुसीबत में फंसा डाले ना जी तुम्हें, क्या करना जी हमें, एक एक कले एक बात कर रही, एक एक कले एक जवाब दे रही, लेकिन सारे लोगों को अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के नबी हैं, उनको पूरा पूरा भरोसा है अल्लाह की जात पे,
कि मेरा अल्लाह मुझे जरूर यहां से निकालेगा। फिर वो इत्मीनान खलबी के साथ अल्लाह से हाथ उठाकर मांगते हैं, या अल्लाह तेरे हुक्म से मेरे ख्वाहिश कबीले को, मेरे पूरे बस खौम वालों को यहां लेकर आ गया, अब आगे का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, पीछे दुश्मन सामने समंदर। अल्लाह मैं क्या करूं, तेरे हुक्म से यहां लाया, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मुझे मालूम है तू जरूर हमारे लिए कोई मदद भेजेगा। अल्लाह मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा, मूसा जो तेरे हाथ में आसा है वो मेरा नाम लेकर दरिया पर मार। अब तक दुनिया में वो मंजर किसी माई के लाल ने नहीं देखा था जो मंजर अब होने वाला था आगे। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आसा लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर समंदर पर मारे। जैसे ही समंदर पर मारे, समंदर ठटे मारता दरिया नील दो रास्तों में बढ़ गया, बर्फ की दीवारों की तरह दो रास्तों में खड़ा हो गया। अरे पानी तो पानी होता है, बह जाना चाहिए, नहीं, अल्लाह के हुक्म से दीवारों की तरह खड़ गया। किसी माई के लाल ने वो मंजर नहीं देखा था जो मंजर अल्लाह उनकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रास्ता बन गया, पूरे दरिया में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बनी इसराइल, मेरे कबीले वालों, मेरी कौम वालों, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह हमारे लिए मुश्किलों से पार करेगा, अल्लाह हमें जरूर मुसीबत से निकालेगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, क्या मैं नहीं बोलता था। ये देखो अल्लाह ने हमारे लिए कैसे रास्ता बना दिया, चलो निकलो। इत्मीनान से लेको बनी इसराइल को दरियाए नील के आर पार निकल गए। फिरौन बोला, मैं तुम्हारा अना रब्बुकुम अलआला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। देखे वो दुश्मनों को पकड़ने वास्ते कैसा रास्ता तुम्हारे वास्ते एडवांस में बना डाला, भाई चलो चलो चलेंगे। सारे लश्कर को लेकर जैसे बीच में आया, अल्लाह दरिया को मिला डाला, उन्हें डुबको मारा, बनी इसराइल किनारे से नजात पा गए। 10 मुहर्रम थी, ये मुहर्रम की 10 तारीख थी। अल्लाह के शुक्रिया में मूसा अलैहि सलाम आशूरे का रोजा रखे। अल्लाह के नबी जब हिजरत मदीना करके आए, 10 मुहर्रम थी, देखा मदीने में अहले किताब रोजा रख रहे, पूछा ये कैसा रोजा। मूसा अलैहि सलाम को बनी इसराइल को अल्लाह ताला आज के दिन दरिया नील से आर पार किया था। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के शुक्रिया में हर हमेशा 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, हम भी अपने नबी की इत्तेबा में ये रोजा रखते हैं। नबी ने कहा, अना अहक्कु बिमूसा हुआ माया की, वो मेरा भाई है नबुवत में, तुमसे ज्यादा मैं हक रखता हूं ये रोजा रखने का। फिर नबी आइंदा साल से वो रोजा रखना शुरू करे। 9 साल मदीने में 10 साल जिंदा थे, 10 साल एक रोजा रखे। आखिरी साल में साहबा इकराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हर काम यहूदियों की मुखालिफत में आप करते हैं, ये एक रोजा उनकी मुताबियात में आप कर रहे हैं। नबी बोले, आइंदा साल अल्लाह मुझे जिंदगी बाकी रखा तो मैं 10 रोजों के साथ, 10 मुहर्रम के रोजे के साथ, 9 या 11, एक दिन पहले या एक दिन बाद मैं जरूर रोजा रखूंगा। लेकिन नबी की हदीस हदीस बन गई, नबी बाहयात नहीं रहे, नबी का हुक्म हुक्म बन गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं बताना यह चाहता हूं, दरियाए नील के किनारे आकर फंसे हुए लोगों को अल्लाह की जात पर, अल्लाह के नबी भरोसा करने पर जब निकाल सकते, हम ना कहीं कुछ मुश्किल से अल्लाह नहीं निकाल सकता, हमें नहीं करते वैसा भरोसा जैसा अल्लाह की जात पर करना चाहिए।